हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रनाउन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन और उसकी टाइप्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रनाउन, और हम किस तरीके से आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक है वो है प्रनाउन। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा था नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, और ये सब 8 और 9 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो थे। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इसको नाउन को और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है, तो टुडे आज हम डिस्कस करेंगे प्रनाउन के बारे में कि प्रनाउन क्या होता है और कौन कौन सी टाइप्स हैं प्रनाउन की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज प्रनाउन। तो प्रनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। वो वाले वर्ड्स हैं प्रनाउन जो हमारे नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। वो वाले वर्ड्स जो हमारे नाउन की जगह पे यूज होते हैं उनको हम प्रनाउन कहते हैं। आप जैसे कोई ऐसे लिखते हैं, जैसे काऊ का, छोटे बच्चे बहुत सारे जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं उनमें आपको काऊ का एक ऐसे लिखाया जाता है इंग्लिश में या हिंदी में। ठीक है, तो आपको कोई 10 लाइन्स लिखनी होती है तो उसमें बोला जाता है कि काउ इज अ पेट एनिमल, काउ एक पेट एनिमल है। तो अब आप बार बार काउ नहीं बोलते हैं, आप उसकी जगह पे बोलते हैं काउ की जगह पे, काउ इज अ नाउन, नाउन है ना काउ, तो आप एक उसकी जगह पे क्या बोलेंगे, इट हैज 4 लेग्स, इट गिव्स अस मिल्क। तो वो क्या है कि वो हमने इट को यूज किया एंड इट इज द प्रनाउन। तो देखो, काउ नाउन था तो आपने नाउन की जगह पे प्रनाउन को यूज किया है, तो ही इसको क्या कहते हैं, तो वही तो वर्ड्स होते हैं प्रनाउन जो आपके नाउन की जगह पे यूज होते हैं। जैसे आप बोलते हैं राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक इंटेलिजेंट बॉय है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, वो क्लास 6 का स्टूडेंट है। अब आप बार बार राम नहीं बोलेंगे, आप बार बार राम बोलेंगे तो वो क्या हो जाता है, एक बहुत अच्छा नहीं लगता। तो हम नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रनाउन का यूज करते हैं, तो राम की जगह हमने ही लगा दिया, बिकॉज राम इज अ बॉय, तो बॉय की स्पेस पे हम प्रनाउन जो आता है वो ही आता है। ठीक है, अब मैं इसके बाद ये आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे, जैसे ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी। ठीक है, जैसे मैं सभी का नाम लूंगी, राम, श्याम, गीता, सीता, मीता, ये सब क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ये सब खेल रहे हैं। और इन सब का मैं इंडिविजुअली नाम लेने के बजाय मैं बोल दूंगी दे आल आर प्लेइंग, ये सब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मैंने दे प्रनाउन को यूज किया इंस्टेड ऑफ द नाउन, नाउन की स्पेस को हम नाउन की नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पे दे प्रनाउन का यूज कर लिया। ठीक है, तो यही होते हैं आपके प्रनाउन, वो वाले वर्ड्स जो आपके नाउन की जगह पे यूज होते हैं। अब मैं एक टेबल बनाऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि क्या फर्स्ट पर्सन है, क्या सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, क्या सेकंड पर्सन है, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, देन यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉपरली द पर्सन एंड द प्रनाउन्स। ओके, ये आपका अलग है। सॉरी,
ठीक है, ये अभी मैं टेबल बना रही हूँ, ये आपके फर्स्ट पर्सन्स हैं और ये आ जाएगा आपका सेकंड पर्सन और ये आ जाएगा आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। देखिए सबसे पहले पर्सन, फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर कौन सा होता है, आपका प्लूरल कौन सा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है सिंगुलर की, ऑब्जेक्टिव क्या होती है, देन उसका पोजेसिव क्या होता है, तभी आप जो प्रनाउन है वो अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जगह पे कौन सा प्रनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे कौन सा प्रनाउन आता है, आपका पोजेसिव प्लेस पे कौन सा प्रनाउन आता है, जब हम पोजेसिव प्रनाउन की बात करते हैं तो देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली इफ यू नो अबाउट दिस टेबल। अगर आप इस टेबल के बारे में जानेंगे तभी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यहां भी मैं ये लाइन खींच दे नहीं, अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होगा, आई, आई क्या होता है सिंगुलर, बिकॉज आई मीन्स मैं सिंगल इंसान की बात कर रही हूं, तो दैट इज द आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। आप कभी भी मी जो है वो सब्जेक्टिव प्लेस पे नहीं लगाते, आप बोलते हो कि ही गिव्स मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी, तो आप उसने, उसने ही मतलब ही उसकी थर्ड पर्सन की बात करी, वो सब्जेक्टिव प्लेस पे है, तो ही गिव्स मी, आई एम, मैं कौन हूँ, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे हूँ, ठीक है, उसने मुझे क्या दिया, एक बुक दी, तो आई एम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नोटबुक जो भी बुक है दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्लेस पे। अब इसी की पोजेसिव फॉर्म होती है माइन, जैसे दिस बुक इज माइन, ये जो बुक है ये मेरी है, तो दैट इज द पोजेसिव प्रोनाउन, ये पोजेसिव करता है ये। अब जब हम आगे वन वन टाइप पढ़ेंगे तभी हम पढ़ पाए, समझ पाएंगे कि क्या माइन क्या होता है और पोजेसिव प्रोनाउन में किस तरीके से हम यूज करते हैं, ओके। अब प्लूरल का क्या होता है, वी। अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो गया आई, प्लूरल होता है जो एक से ज्यादा हो, बहुवचन जिसको आप बोलते हैं, तो वो क्या आता है, वी। वी मीन्स हम, अब हम कोई एक इंसान नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग आते, तो वी का आपका प्लूरल फॉर्म क्या आएगी, अस। वी का प्लूरल क्या आएगा, अस, और अस का क्या आएगा, ours, our, ठीक है, अस का क्या आएगा, ours, ये क्या आपका पोजेसिव प्रोनाउन। अब उसके बाद आपका सिंगुलर, आपका फर्स्ट पर्सन हो गया आई और वी, मी और अस, और पोजेसिव में माइन और ours। अब सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में आ गया, सेकंड पर्सन कौन सा होता है आपका, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको फर्स्ट डे टेंस पढ़ा रही थी, तो ये यू। अब देखिए यू ही सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है, यू ही प्लूरल होता है। आप सोचोगे कि मैम ये कैसे हो सकता है कि एक ही चीज सिंगुलर भी होगी और एक ही प्लूरल होगी, क्यों, क्योंकि यू हम एक चीज एक इंसान के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ यू आर ए बॉय, क्या तुम एक लड़के हो, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, आप सिक्स क्लास के स्टूडेंट हो, तो मैं यूज वो कर रही हूँ। जब मैं बोलूँ ऑल ऑफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, तो भी मैं यू यूज कर रही हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द होल क्लास, ठीक है। तो यू जो है दैट इज सिंगुलर भी, आप एक इंसान के लिए भी यूज करते हैं, आप प्लूरल के लिए भी यू ही यूज होता है, और इसका यू आपका ऑब्जेक्टिव आता है, आप बताइए ये यू है। अब आप यू की प्लेस पे ऑब्जेक्टिव क्या लगाते हैं, यू की प्लेस पे ऑब्जेक्टिव क्या आएगा आपका यू का। अब आपका इसका मैं पोजेसिव बताती हूँ, पोजेसिव तो आपका आ जाएगा यूअर्स, ठीक है। अब आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, यू ही आएगा, क्यों, क्योंकि यू ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है, यू ही आपका सब्जेक्टिव होता है।
आई विल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक बुक दूंगी, तो मैंने तब भी यू ही लगाया. यू का सब्जेक्टिव भी यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है. ठीक है, अब मैं आगे बात कर रही हूँ थर्ड पर्सन की. तो थर्ड पर्सन मीन्स सिंगुलर और प्लूरल थर्ड पर्सन की बात करूंगी. तो थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा आपका ही, शी, इट. ठीक है, ही, शी, इट. अब कोई भी नाउन होगा जिसकी हम बात कर रहे होंगे सिंगुलर के बारे में, जैसे राम, सीता, तो उसकी जगह हम ही, शी लगा देंगे. इट हम किसी एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं. तो ये आपका सिंगुलर आ गया. अब इसका प्लूरल क्या आएगा? ही का हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म. शी का हर हो जाएगा. इट का इट ही रहता है ऑब्जेक्टिव में भी. ठीक है, अब इसका दे, प्लूरल क्या होता है? दे. और देयर का ऑब्जेक्टिव होता है देयर, सॉरी, दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम. क्या होता है? देम. और इसका पोजेसिव होता है ही, हिज होता है. इसका हर्स होता है. इट का इट्स होता है. और ये आपका देम का जो होता है वो देयर्स होता है. ठीक है, ये आपका प्रोनाउन का टेबल है जिसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं कि क्या इस टेबल में क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, क्या फर्स्ट पर्सन होता है, क्या ऑब्जेक्टिव प्लेस पे यूज होता है, क्या सब्जेक्टिव प्लेस पे यूज होता है. तो ये सब आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है प्रोनाउन है और आपको अच्छे से रिवाइज करना है. देन यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन. तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है. तो ये वाला टेबल आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन्स. ओके, थैंक यू गाइज. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.